तो स्वागत है फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है स्कॉडा स्लाविया 1.5 DSG और इसी का जो है कि आज हम रिव्यू कर रहे हैं और जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं वॉक अराउंड पे बिना किसी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी लगती है आपको स्कोडा स्लाविया, और जो ये है ये आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और ब्लू कलर में ये जो है कि आपको गाड़ी देखने को मिलती है। और फ्रंट से अगर हम एक बार इसका देखते हैं तो कुछ ऐसा आपको और लुक देखने को मिलता है। और अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टर यूनिट मिलती है और DRS भी इसी में है। आपको नीचे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हैलोजन बेस्ड हैं, कुछ ऐसी क्रोम ग्रिल है। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 205/55/16 इंचेस का यहाँ पर अलॉय मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, पीछे नहीं। ORVMs काफ़ी अच्छे हैं, जो कलर भी आप देख रहे हो ये वाला बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है। डोर हैंडल्स पे क्रोम का बड़ा ही अच्छा सा यूज़ किया गया है जो कि देखने में अच्छा है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ मिलता है, और एक अच्छी चीज़ ये जो आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रीमियम फील एक देती है। बाकी अगर हम रियर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरफ से है, आप देख सकते हो स्कोडा स्लाविया की लुक। और टेल लैंप्स भी आपको यहाँ पर LED मिलती हैं, काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बूट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल, अच्छा खासा स्पेस है और बहुत ही आराम से आपके काफ़ी ज़्यादा लगेज आ जाएगा। प्लस जो पीछे की सीट्स हैं वो फोल्डेबल हैं 60-40 स्प्लिट में, और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोडिंग लिट नीचे है इसकी और काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। प्लस जो नीचे आपको यहाँ पर ये मिलता है सबवूफर आपको यहाँ पर मिलता है जो कि स्टेपनी सबवूफर है, और स्टेपनी भी है जो कि अलॉय नहीं है, एक स्मॉलर साइज़ का टायर है। बाकी कुछ ऐसा है बूट स्पेस, प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको प्लेस मिलेगा और शार्क फिन एंटीना है, प्लस सनरूफ भी आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाती है। चलते हैं अब अंदर। तो डोर्स के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग है डोर्स की, और ओवरऑल जो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। हालांकि हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है, लेकिन कुछ कुछ जो टच पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, एक्चुअली लेदर का मटेरियल का यूज़ किया गया है। जो फ्रंट डोर पॉकेट्स हैं डिसेंट साइज़ की है, बहुत 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर आपको आ जाएगी। बाकी आते हैं गाड़ी के अंदर, बंद करते हैं। और अगर अंदर की हम बात करें केबिन की, तो पहले जब मैंने इसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था तो उतना ज़्यादा मुझे जैसे लगा नहीं था कि खूबसूरत होगा इंटीरियर, लेकिन हाँ रियल लाइफ में और फ़ोटोज़ वीडियोज़ में दोनों में आप जजमेंट उतना अच्छे से नहीं कर सकते। रियल लाइफ में ही असली जजमेंट आप गाड़ी का कर सकते हो। तो जो ओवरऑल केबिन की फील है वो काफ़ी अच्छी जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और कुछ कुछ अच्छे टचेस जो कि स्कोडा ने दी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिलता है जो कि टाटा की कुछ गाड़ियों की आपको याद दिलाएगा। बाकी वही आपका स्कोडा वॉक्सवैगन का सिंपलर, यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं, AC वेंट्स हैं, और जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका जो है कि इस तरह का 2-spoke का यूनिट है, बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देता है। प्लस जो यहाँ पर ये स्विचेस दिए गए हैं, वाह, इनकी जो फील एंड फीडबैक है बहुत ही शानदार। लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग मिलता है, बहुत ही अच्छा एक फीडबैक देता है। जो ये आप देख सकते हो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल बेस्ड है, सारी आपको इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप इसके जो कह सकते हो ये है स्पीड यूनिट है, और इस तरह का यूनिट्स आप चेंज कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, और साथ ही साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि अब आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हम यहाँ पर कुछ अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जैसा कि सबने थोड़ा बहुत कहा है कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो मटेरियल की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम जो है कि हुई है, मगर एज सच बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ओवरऑल जो क्वालिटी है ठीक है, काफ़ी अच्छी है अभी भी स्टैंडर्ड्स के आपसे बाकी गाड़ियों के अगर कंपटीशन में देखोगे तो। यहाँ जो आपको डोर हैंडल्स मिल रहे हैं अच्छे हैं, प्लास्टिक के हैं, लेकिन जो इनकी फील है वो काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर्स हैं, ब्लूटूथ है, जो भी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी है, कुछ ऐप्स भी आज से कनेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली, और वैले फंक्शन, सारे फंक्शंस जो होते हैं वो आपको इसमें मिलता है प्रॉपरली। रिस्पॉन्सिव अच्छा खासा टच स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आपको इसमें टच बेस्ड नहीं पर बटन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं इस वेरियंट में, और प्लास्टिक का है ये, अगर एल्यूमिनियम के होते तो और अच्छा जो है कि फील ओवरऑल आता। नीचे
नीचे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि टच बेस्ड हैं। हालांकि ठीक है, कंट्रोल करने में सच बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। बाकी वायरलेस चार्जर है, दो यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। डीएसजी गियर बॉक्स है, फ्रंट में आपको दोनों वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं और आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्पेस है, दो कप होल्डर्स है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, मैनुअल हैंडब्रेक आपको देखने को मिलता है और जो ये आपको सेंटर आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल मिलती है और इसकी जो क्वालिटी है, जो मटेरियल है, ये भी काफ़ी शानदार है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें, अच्छी साइज़ का है, कूल्ड आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलता है, IRVM भी आपको जो है कि यहाँ पर ऑटो डिमिंग मिलता है और इसकी जो शेप है वो काफ़ी प्रीमियम सी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी केबिन में आपको यहाँ पर LED लाइट्स मिल जाती हैं, सनरूफ जो है आप देख सकते हो, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक दी है इसमें और ये ऑलमोस्ट इतनी ही खुलती है, इससे ज़्यादा नहीं खुलती है। और बाकी मैनुअल आपको यहाँ पर सनशेड देखने को मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये जो ड्राइविंग सीट है ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। और उससे पहले आपको एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, इसकी चाबी तो कुछ ऐसी है, स्कॉडा स्लाविया की थोड़ी बेसिक सी है लेकिन ठीक है, ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और जो वैनिटी मिरर्स हैं ये आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड जो है नहीं मिलेगा और ये एक्सटेंडेबल नहीं है, थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ देता है साइड वाले के लिए। इधर आपको थोड़ी सी वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगी। और चलते हैं पीछे की तरफ और एक बार स्पेस दिखाते हैं। सो अब जो फ्रंट सीट्स थी, ओह क्या दरवाजे की थट है, काफ़ी अच्छी सी है फ्रंट सीट जो है ये ड्राइवर वाली, ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और प्रॉपर बहुत ही अच्छे से आराम वाले पोस्चर में इसको मैंने एडजस्ट किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लेगरूम मिल रहा है और सॉरी नीरूम मिल रहा है और लेगरूम भी डिसेंट है लेकिन अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम है और सीट्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से कम है। मेरी 6.4 इंचेस है तो उसके हिसाब से जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। प्लस अगर आप हेडरूम की भी बात करें तो अगर मैं एकदम स्ट्रेट होकर बैठूंगा तो मेरे हल्के से टच हो रहे हैं बाल, बाकी अगर थोड़ा सा नीचे झुक करके बैठे तो अच्छा स्पेस है। सेंटर कंसोल आपको यहाँ पर सेंटर में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट प्लस दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। पीछे सबसे अच्छी बात, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, फ्रंट में भी हैं। रियर एसी वेंट्स भी आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है प्लस दो और यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऊपर यहाँ पर भी जो है कि आपको प्रॉपर LED लैंप्स मिलते हैं। तो ओवरऑल लाइट्स जो हैं और इल्यूमिनेशन है केबिन की वो काफ़ी शानदार है और फ्रंट केबिन कुछ पीछे से ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ ये था ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में। म्यूज़िक सिस्टम में आपको यहाँ पर प्रॉपरली 8 स्पीकर्स का सिस्टम मिलता है जो कि स्कोडा का इन हाउस है, बाकी एक सबवूफर भी आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी जो है म्यूज़िक का जो आउटपुट है काफ़ी शानदार है और ओवरऑल जो केबिन की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। जो आपके ऊपर यहाँ पर फैब्रिक मटेरियल दिया गया है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। कुछ जगह हल्की फुल्की कुछ ऐसे मटेरियल्स प्लास्टिक्स के हैं जो हल्की फुल्की कभी कभी आवाज़ करते हैं, खासकर ठंड के टाइम पे। जब हमने टाइगन ट्राई की थी तो कुछ इस तरह के उसके भी डोर हैंडल्स थे तो उन्हें जैसे अगर आप हल्का फुल्का प्रेस करोगे तो थोड़ा सा वो चरमराहट सी उसमें थी, लेकिन इसमें फ़िलहाल गर्मी के मौसम में नहीं फील हो रही है। तो हाँ कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिलती है लेकिन फिर भी ये ऐसी कॉस्ट कटिंग है जो कि आपको ख़राब नहीं लगेगी। वो जो मटेरियल फिर भी यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। प्लस जो पियानो ब्लैक यहाँ पर आपको इंटीरियर्स देखने को मिल रहे हैं, भाई देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन हाँ स्क्रैचेस इसमें जो है कि लगने कंफर्म है तो थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा मेंटेन करके इसके रखना हो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप इसे रफली यूज़ करोगे तो धीरे धीरे वो स्क्रैचेस उसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। तो चलिए अब एक बार ड्राइव करते हैं गाड़ी को और क्या असली परफॉर्मेंस है या क्या औकात है इस गाड़ी की वो सारी बताते हैं, कैसी चीज़ें हैं और कैसी चलने में है सारी चीज़ें बताते हैं, कंपटीशन से भी कंपेयर करते हैं कि कैसी चलने में है कंपटीशन में और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए सो टेस्ट ड्राइव पे आ चुके हैं हम। 1.5 DSG है ये और सबसे पहले नॉर्मल जो मोड है इसका उसमें जो है कि टेस्ट करेंगे और पैडल शिफ्टर सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते ही हैं। एक बार ओवरऑल आपको बता देता हूँ, जो विजिबिलिटी है गाड़ी की अच्छी है काफ़ी। मेरे हाइट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपको बोनट का लिप मतलब ऊपर हल्का सा दिखता रहता है। बाकी जो ORVM है और IRVM है आपको उसमें अच्छी विजिबिलिटी है। सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से, कंफर्टेबल है, अच्छा खासा स्पेस मुझे मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें रीच में हैं एर्गोनॉमिक वाइज और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इवन जो आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आजकल की काफ़ी गाड़ियों में दिक्कत आती है
कि दिन में उतना अच्छा विजिबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसमें प्रॉपर बड़ा ही क्रिस्प सा जो है कि डिस्प्ले है और बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर विजिबिलिटी देखने को मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर ऑफ करने का बटन है और इसको फिलहाल हम डीएक्टिवेट करते हैं और धीरे धीरे ट्राई करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस रहेगा क्योंकि पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, तो उतना ज़्यादा जो है कि एक बार में मैं जो है कि नहीं बता पाऊँगा। सो फर्स्ट इंप्रेशंस पहले देखते हैं गाड़ी का क्या है। और ठीक है, सबसे पहले जो है कि काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही जल्दी इसने गियर शिफ्ट कर लिए। 34, 35, 36, 40 तक जाने पे अपने फोर्थ गियर में आ जाती है और काफ़ी क्विक शिफ्टिंग है। काफ़ी किसी तरह का आपको इसमें लैग या कह सकते हो, एक्चुअली डुअल क्लस्टर ट्रांसमिशन है तो फिर जो कि वो वाली बात खैर आती ही नहीं है। और काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, क्विक शिफ्टिंग है, तो ट्रांसमिशन काफ़ी फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है। बाकी स्टेयरिंग की बात करें तो लो स्पीड्स पे तो काफ़ी लाइट सा है, एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हॉर्न आपको इसमें एक नीक सा मिलता है थोड़ा, बाकी खाली पैच अगर थोड़ा मिलता है तो इसे खींच करके देखते हैं। सस्पेंशन वाइज अगर देखा जाए, बाउंस पे हमने देखा तो अच्छा था, बाकी ये देखो काफ़ी क्विक शिफ्टिंग है। एक और स्पीड ब्रेकर, तो सस्पेंशन ओवरऑल ठीक है, कंफर्टेबल है, ऐसा बहुत ज़्यादा बम्प आपको फील नहीं होगा। थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर आपको इसमें मिलेगा कॉर्नरिंग के टाइम पे, क्योंकि हाई ग्राउंड क्लियरेंस है। और पिकअप अगर देखा जाए तो इसका नॉर्मल मोड में भी अच्छा है, तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। और इवन 1.5 लीटर वाला जो इंजन है इसका काफ़ी शानदार वैसे भी है। अब इसको डालते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड में, तुरंत इसका जो है कि पूरा नेचर ही चेंज हो जा रहा है। और बड़ा ही एक्यूरेट है इसका स्टीयरिंग व्हील। और ये देखो मैनुअल मोड, ओए होए क्या बात है, ब्रेक्स भी बड़े शानदार हैं, तुरंत जो है कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हालांकि फ्रंट ही डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, पीछे आपको नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी इनफ है। और हाई स्पीड पे अगर आप रहोगे तो फिर अच्छा खासा आपको जो है कि कॉन्फिडेंस ये गाड़ी देगी। एक यू टर्न लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है टर्निंग रेडियस और ये सब। सो ठीक है, काफ़ी इजीली मुड़ गई, सेल्फ सेंटरिंग स्टीयरिंग व्हील एज यूजुअल। और ये देखो भाई साहब, हल्का सा व्हील स्पिन और क्या एक तगड़ी वाली स्पोर्टी नोट आ रही है जब आप इसे हाई रेव कर रहे हो, मज़ा आ जा रहा है मतलब। और ये गाड़ी सचमुच मतलब है फन टू ड्राइव है, सस्पेंशन भी है अच्छा इसका। ये देखो आप, क्या बात, तुरंत रिस्पॉन्स। अच्छा सचमुच जो ये नेचर है इंजन इस गाड़ी का, जो इंजन है इसका 1.5, बहुत ही स्पोर्टी है, आपको इसको चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा। माइलेज आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि जब ये आपके हाथ में आएगी तो आप इसे ज़रूर थोड़ा बहुत भगा करके चलाओगे, आपको मज़ा उसी में आएगा। लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है भाई साहब, मज़ा दे दे रही है। स्टेयरिंग हाई स्पीड पे वेट पकड़ भी ले रहा है अच्छा, तो ऐसा आपको कोई उसमें भी जो है कि वो जो ह्युंडई में बिल्कुल लाइट सा फील आता है वो भी नहीं आएगा इसमें। तो कुछ ऐसा था ओवरऑल एक क्विक सा फर्स्ट इम्प्रेशन ड्राइव वीडियो 1.5 DSG का स्कोडा स्लाविया का। आप देखिए सिटी में है तो सिटी में इतना एग्रेसिवली हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, ड्राइविंग कंडीशंस अलग होती हैं, ट्रैफिक भी होता है, तो खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट इम्प्रेशन जो था मैं जो लगा वो मैंने आपको शेयर कर ही दिया है। बाकी एयर कंडीशनिंग गाड़ी की काफ़ी शानदार है, बहुत ही अच्छी कूलिंग कर रहा है, ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी शानदार है, ओवरऑल राइड क्वालिटी जो इस गाड़ी की है वो भी बहुत अच्छी है। लंबे लंबे आप सफ़र करोगे तो आपको इसमें थकान जो चीज़ है वो नहीं होने वाली है, और सचमुच ड्राइविंग प्लेजर है, आप ड्राइव करोगे बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और गाड़ी में वाकई दम है। बाकी अगर हम कंपेयर करें इसे होंडा सिटी और वरना जैसी से, तो उसका थोड़ा अलग नेचर है, इसका थोड़ा अलग नेचर है, वो सब थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ कह सकते हो आप है। इसमें हल्का सा वाइब्रेशंस आपको फील होगा स्टेयरिंग पे जब आप इसे हाई बैंड में जाओगे, हाई रेवरेज में जाओगे, तो होंडा सिटी वरना में उतना नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो फ्रंट टू ड्राइव नेचर है वो इसमें मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा लगा। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा चॉइस है, इवन आपकी ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत अगर आपके रास्ते ख़राब है, गड्ढे गुड्ढे हैं, तो अच्छे खासे ये झेल जाएगी, कहीं टच नहीं होगी, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है कि अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा था एक इनिशियल वीडियो हमारी तरफ से,
और एक क्विक फर्स्ट इंप्रेशन ड्राइव का वॉक अराउंड, सारी चीज़ें मैंने जो जो था इंपॉर्टेंट कवर कर ली है। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। ट्यून अप रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोज़ को। धन्यवाद।